कक्षा पाँच की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा पाँच में हम कर रहे हैं विषय गणित। इसमें देखिए दो प्रश्न लिखे हैं। पहला प्रश्न है, एक पुस्तकालय में 24,892 गणित की पुस्तकें, 18,576 अंग्रेजी की पुस्तकें और 9,954 हिंदी की पुस्तकें थीं। बताओ पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थीं। अब देखिए कुल लिखा हुआ है, उस दिन मैंने आपको बताया था, अगर कुल लिखा हुआ तो आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है। क्या करनी है, जोड़। किताबें हैं तीन तरह की दे रखी है, गणित, अंग्रेजी और हिंदी, और इनकी संख्या भी दे रखी है। गणित की पुस्तकें हैं 24,892, अंग्रेजी की पुस्तकें 18,576 और हिंदी की पुस्तकें 9,954। अब कुल कितनी पुस्तकें थी तो आपको क्या करनी है, जोड़। तो हम लिखेंगे हल। सबसे पहले गणित की पुस्तकें, गणित की पुस्तकें कितनी है, 24,892। कितनी है, 24,892। फिर अंग्रेजी की पुस्तकें, फिर अंग्रेजी की पुस्तकें वो कितनी है, 18,576, 18,576। फिर हिंदी की पुस्तकें कितनी है, 9,954। अब कुल पुस्तकें हैं कितनी, तो हम क्या करेंगे, इन सब की क्या कर देंगे, जोड़। तो जोड़ का तरीका पता ही आपको, पीछे इक्कीस की संख्या से जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए दो में पहले कितना जोड़ेंगे, 6, दो के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 8 में कितना जोड़ेंगे, 4, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 12 का 2, एक रह गई ऊपर हासिल। अब हासिल को साथ में जोड़ते हुए चलना है, तो 9 और एक हासिल कितने हो जाएंगे, 10, कितने हो जाएंगे, 10, फिर 10 में कितने जोड़ेंगे, 7, तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर 17 में कितना जोड़ना है, 5, तो 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, कितने हुए, 22, तो 22 का 2 योगफल में और 2 हासिल के रूप में ऊपर आ जाएगा। फिर वही हासिल को जोड़ते हुए चलना है, 2 में पहले 8 में पहले कितना जोड़ेंगे, 2, 8 के बाद 9, 10, फिर 10 में कितना जोड़ना है, 5, कितने जोड़ने हैं, 5, तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, फिर 15 में कितने जोड़ेंगे, 9, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितने हो गए, 24, 24 का 4 हासिल रहेगी, फिर 2, फिर वापस वही तरीका, 4 में कितने जोड़ेंगे, 2, तो 4 के बाद 5 और 6, 6 में कितने जोड़ेंगे, 8, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 14 में कितने जोड़ेंगे, 9, कितने जोड़ेंगे, 9, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितने हो गए, 23, 23 का 3 हासिल रह गई, 2, फिर 2 में हासिल जोड़ेंगे, 2, दो दो कितने हो गए, 4, 4, 1, 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5, और टोटल कितना हुआ, 53,422। तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी, तो हम ये लिख देंगे कुल
की संख्या, कुल पुस्तकों की संख्या। इस प्रकार से आपको यह सवाल हल करना है। फिर सवाल नंबर दो, एक स्कूल में 1296 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 1296। इनमें से 699 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल दे रखा है, यानी दो संख्याओं का योग दे रखा है, उसमें से एक संख्या आपको दे रखी है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। जब दो संख्याओं का योगफल दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करते हैं? घटाव करते हैं। क्या करते हैं? घटाव करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले कुल विद्यार्थी, क्या लिखेंगे? कुल विद्यार्थी कितना है? 1296। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी है? 699। और हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? घटाव। तो देखिए, तरीका आपको पता है घटाव करने का। हम हमेशा इकाई की संख्या से शुरू करते हैं। तो देखिए, 6 में से आपको कितना घटाना है? 9। लेकिन 6 छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या है, तो घटाव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस अगली संख्या से एक क्या लेंगे? उधार लेंगे। तब ये कितना हो जाएगा? 1616। अब 16 में से आपको कितना काटना है? 9। कितने काटने हैं? 9। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने बच गए? 5 ये और 2 ये, कितने हो गए? 7। कितने बचे? 7। तो यहाँ हमने लिखा 7। फिर यहाँ कितने हैं? 9। 9 में से हमने इसको एक हासिल का उधार दे दिया। अब यहाँ एक कम हो गया, तो यहाँ कितना रह गया? 8। कितने रह गए? 8। फिर हम 8 में से कितना घटाएंगे? 9। तो फिर देखिए, वही 8 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, घटाव नहीं होगा। तो फिर हम एक अगली संख्या जो है 2, इससे एक उधार लेंगे। तभी कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। अब 18 में से कितने काटेंगे हम? 9। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने हो गए? 18। तो कितने बच्चे हमारे पास? 9। 18 में से 9 काटे तो कितने बचे? 9। ये 2 था, इसमें से हमने इसको उधार दे दिया, तो यहाँ कितना रह गया? 1। अब 1 में से 6 नहीं जाएगा, तो हम ये 1 जो बचा हुआ है इससे हम उधार ले लिया। कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। अब 11 में से कितने काटेंगे? 6। तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, कितने बच गए? 5। कितने बच गए? 5। ये क्या था? 1। 1 हमने इसको उधार दे दिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी निकली? 597। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः लड़कियों की संख्या, अतः लड़कियों की संख्या। तो इस प्रकार से ये इबारती प्रश्नों को पहले पढ़ना है, इसको समझना है कि एक प्रश्न में घटाव हो रहा है या जोड़ होगी, सवाल को पढ़कर आपको पता करना है। धन्यवाद। अब विषय हिंदी। हिंदी में आज कर रहे हैं हम ऊंट का लेख। ऊंट का लेख, और एक ऊंट के लेख में हमने 10 लाइनें लिखी है, इनको आपको कॉपी में उतारना है और इसको याद करना है। तो ऊंट के लेख में जो पहली लाइन हमने लिखी वो है, ऊंट एक शाकाहारी पशु है। ऊंट एक शाकाहारी पशु है, यानी ये केवल पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां और घास और चारा खाता है। ऊंट की गर्दन लंबी होती है। ऊंट की गर्दन लंबी होती है। ऊंट के 4 लंबे पैर होते हैं।
ऊँट को देखा होगा आपने, ऊँट एक बड़ा जानवर है और ऊँट के जो पैरों की लंबाई होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऊँट की पूंछ छोटी होती है, ऊँट की पूंछ छोटी होती है, ऊँट के दो कान दो आँख और एक मुंह होता है, ऊँट के दो कान दो आँख और एक मुंह होता है। ऊँट भोजन में हरी पत्तियाँ यानी पेड़ पर उगने वाली हरी पत्तियाँ, रेगिस्तान में उगने वाली कंटीली झाड़ियाँ और सूखा चारा खाता है। ऊँट रेगिस्तान में बिना पानी के लगभग एक सप्ताह तक रह सकता है। ऊँट की जो मेन विशेषता है वह ऊँट रेगिस्तान में बिना पानी के लगभग एक सप्ताह तक रह सकता है, लेकिन रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसके वजह से यहाँ पर पानी की समस्या भी क्या है, ज़्यादा। तो ऊँट ने अपने मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल रखा है, जैसे हम बिना पानी के रेगिस्तान में नहीं रह सकते तो, लेकिन ऊँट बिना पानी के लगभग एक सप्ताह तक रह सकता है। ऊँट के पेड़ लंबे तो होते ही हैं, लेकिन पेड़ के नीचे गद्देदार होने के कारण वह रेत में भी तेज दौड़ सकता है। ऊँट ही ऐसा जानवर है जो केवल रेत में तेज दौड़ सकता है और कोई नहीं दौड़ सकता। ऊँट बार ढोने में भी काम आता है और ऊँट रेगिस्तान में बिना पानी के रह सकता है और रेत में बहुत तेज दौड़ने के कारण इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो ये ऊँट पर लेके 10 पंक्तियाँ हैं, इसको अपनी कॉपी में लिखना है और इनको याद करना है।